तो कैसे हैं आप, वेलकम यू वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका अपना आलोक इंडियन आज आपको एक बार फिर से ले चलता हूं हिमालय पे। तो हिमालयन सीरीज का ये वीडियो नंबर 8 और आज आप पढ़ने वाले हैं पीक्स ऑफ हिमालयस, हिमालय की चोटियों के बारे में। ओके, यहां से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो बी केयरफुल और लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हम इसका दो प्रकार से स्टडी कराएंगे आपको। पहला स्टडी के थ्रू हम ये बताएंगे इनका लोकेशन कैसे है, जिससे आप इनका अरेंजमेंट आए तो अरेंजमेंट भी कर सकें। और आईएएस के क्वेश्चन में जनरली ऐसे पूछा जाता, मान लीजिए नेपाल का मानचित्र बना दिया और ये दे दिया कि ये और ये, अब तीन चार नाम दे दिया, कहेंगे इनको अरेंज कीजिए। ठीक है, तो पहले अरेंजमेंट के आधार पर फिर हम देखेंगे कि हमारे हिमालय की इंपॉर्टेंट चोटियां कौन कौन सी, उनकी मुख्य बातें कौन कौन सी है, सब कुछ स्टडी करेंगे। बिल्कुल एक क्वेश्चन भी छूटने वाला नहीं है, सो बी केयरफुल। तो चलते हैं पहले मैप स्टडी में, मैप स्टडी के थ्रू पढ़ते हैं। हमने कहा हिमालय को आप मुख्यतः तीन भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, ट्रांस हिमालय, पार हिमालय, मेन हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वांचल। ओके, तो जो पार हिमालय है भारतीय संदर्भ में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, हमारे भारत के जम्मू एंड कश्मीर राज्य में स्थित है। इसकी तीन श्रेणियां जो कि हैं उत्तर से दक्षिण की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर, काराकोरम, लद्दाख और जैस्कर, ये भी पूरी तरह से जम्मू एंड कश्मीर राज्य में ही स्थित हैं। ओके, तो काराकोरम श्रेणी जो हमारे पार हिमालय के सबसे उत्तरी श्रेणी है, इसकी बात करें तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट केटू गाडविन आस्टिन। ठीक है, माउंट केटू गाडविन आस्टिन। तो हम सभी श्रेणियों का जानते हैं, पहले लोकेशन देखेंगे, फिर उनकी ऊंचाई देखेंगे और उससे मुख्य तथ्य कौन से जुड़े वो देखेंगे। तो काराकोरम श्रेणी पर स्थित माउंट केटू गाडविन आस्टिन जो हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है और ये हमारे पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। तो इसका लोकेशन क्या है, तो लोकेशन के संदर्भ में आप क्या क्या चीजें जानेंगे। पहली बात, ये हमारे भारत के जम्मू एंड कश्मीर राज्य में स्थित है। फिर और बात किया जाए, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। ठीक है, ये हमारे पार हिमालय की काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है और ये हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। फिर पार हिमालय की दूसरी श्रेणी जो आती है, मतलब मिडल वाला या मध्य वाला जो श्रेणी होता है, उसको हम लद्दाख के नाम से जानते हैं। लद्दाख श्रेणी पर स्थित माउंट राकापोसी। ठीक है, माउंट राकापोसी, इसका लोकेशन जम्मू एंड कश्मीर राज्य में हो जाएगा, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में हो जाएगा और पार हिमालय के लद्दाख श्रेणी पर होगा। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 7788 मीटर है। इसकी मुख्य बात यह है कि यह विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट केटू है, गाडविन आस्टिन है। और दूसरी क्वेश्चन ये पूछी जा सकती है कि विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी क्या है, तो आप क्या बताएंगे, माउंट राकापोसी। ओके, और जैस्कर पर ऐसा कोई इंपॉर्टेंट चोटी नहीं है, वैसे बहुत सारे पीक्स हैं, क्योंकि पीक्स का मतलब होता है कुछ इस प्रकार से बन जाना। ठीक है, ये पीक्स होते हैं, तो बहुत सारे पीक्स होते हैं, लेकिन हम इंपॉर्टेंट पीक्स का डिस्कशन करेंगे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर पार हिमालय हमारे मुख्य हिमालय से इंडो सांगपो सचर जोन द्वारा अलग होता है। फिर हम कहां पहुंच जाते हैं, अपने मुख्य हिमालय पर। मुख्य हिमालय में एक बात करें तो उत्तर से दक्षिण जाने पर, मतलब नॉर्थ से साउथ जाने पर, जो हमारी श्रेणियां होती हैं कुछ इस प्रकार से, ग्रेटर हिमालय, वृहद हिमालय, जो रेड लाइन से डॉट आपको दिखाया गया है, दर्शाया गया है। फिर इसके बाद आता है मिडल या लेसर हिमालय, मध्य लघु हिमालय, जो है ग्रीन लाइन से डिनोट किया गया है। फिर आता है आपका शिवालिक। ओके, तो हमारे बृहद हिमालय श्रेणी पर ही, ठीक है, पूरे विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। इसका हम डिस्कशन इस चोटियों के क्रम के अनुसार करेंगे। ठीक है, विश्व का पहला सबसे ऊंची चोटी, दूसरा, तीसरा, उनका हम डिस्कशन नोट में करेंगे। अभी हम क्या पढ़ेंगे, इनका मैप स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो हमारा हिमालय का एक्सटेंशन है, हमारे हिमालय का विस्तार है ना, वो भारत के जम्मू एंड कश्मीर राज्य से लेकर के, जम्मू एंड कश्मीर राज्य के नंगा पर्वत से लेकर के तिब्बत के नामचा पर्वत तक का है। तो आइए पहले हम पढ़ते हैं नंगा पर्वत के बारे में। तो नंगा पर्वत हमारे हिमालय की जो हो जाएगा वो सबसे क्या हो जाएगा, पश्चिमी चोटी होगा, सबसे पश्चिमी चोटी, मतलब सबसे वेस्टर्नली पीक होगा। ठीक है, इसी के बाद हमारा हिमालय जो होता है उसका अष्टसंगी मोड़ होता, मतलब सिंटेक्सियल बेंड होता, और हमारा हिमालय जो है पाकिस्तान में चला जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है जिसके बाद हिमालय का एक्सटेंशन पाकिस्तान में होता है, तो आप क्या बताएंगे, नंगा पर्वत। नंगा पर्वत का लोकेशन क्या है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। ठीक है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। ऊंचाई क्या है, 8125 मीटर। इस ऊंचाई के साथ जो हमारा नंगा पर्वत है वो भारत की तीसरी और विश्व की नौवीं, भारत के संदर्भ में तीसरी और विश्व के संदर्भ में नौवीं सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो याद रखिएगा, लोकेशन तो क्लियर हुआ होगा, जम्मू एंड कश्मीर राज्य में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। ओके, फिर देखते हैं यहाँ पे नामचा पर्वत जो तिब्बत में स्थित है, ये हमारे हिमालय की सबसे जो है,
ये पूर्वी चोटी है, कहने मतलब सबसे ईस्टवर्ड पीक है। और यहाँ से हमारे हिमालय का सिंटेक्सियल बैंड होता है, मतलब अष्टांगी मोड़ होता है। इसके बाद हमारा हिमालय जो होता है पूर्वांचल हिमालय के नाम से जाना जाता है, इसका जो विस्तार होता है हिमालय का, ठीक है। तो नामचा पर्वत जो है ना, उसका लोकेशन क्या हुआ तिब्बत में, उसकी ऊंचाई क्या हुआ 7756 मीटर। और इसके मुख्य बात क्या हुआ कि ये हमारे हिमालय के सबसे पूर्वी चोटी है, मतलब ईस्टवर्ड पीक है। ओके, आइए अब हम चलते हैं कहाँ पे, उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में हम पूर्व से पश्चिम की ओर अपने चोटियों को देखेंगे जो हमारे हिमालय पर स्थित है। बट इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन दिखाता हूँ, मतलब कि डिवीजन ऑफ हिमालय ऑन द बेसिस ऑफ रिवर, ताकि आप ये बता सके ना कि इस क्षेत्र का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो देखिए, हमारे सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे कश्मीर या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। फिर सतलुज ही और काली नदी, काली नदी जो कि हमारे नेपाल से बॉर्डर बनाता हुआ जाता है, उनके बीच का सतलुज और काली नदी के बीच का क्षेत्र को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस क्षेत्र में कौन कौन आ जाएगा? हिमाचल प्रदेश की हिमालय और उत्तराखंड की हिमालय, ठीक है। इसके बाद काली नदी से लेकर के तिस्ता नदी तक का जो क्षेत्र होता है उसमें हमारा नेपाल और थोड़ा सा सिक्किम वाला भाग आता है, ठीक है। और तिस्ता नदी से लेकर के हमारा ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे असम हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में हम पूर्व ईस्ट से पश्चिम वेस्ट की ओर जाएंगे, ठीक है। तो पूर्व में सबसे पहले आता है नंदा देवी। कौन आता है? नंदा देवी, ओके। नदियों के आधार पर ये जो क्षेत्र होता है वो सतलुज और काली नदी के मध्य का क्षेत्र है, और इसीलिए इसे कुमाऊं हिमालय कहते हैं। तो नंदा देवी का लोकेशन उत्तराखंड में हो जाएगा, ठीक है। ऊंचाई की बात है तो 7816 मीटर की, ठीक है। और इस ऊंचाई के साथ जो नंदा देवी है वो हमारे भारत की चौथी सबसे ऊंची चोटी है, और कुमाऊं हिमालय की, कुमाऊं हिमालय जो कि ये जो क्षेत्र आता है हमारे सतलुज और काली नदी के बीच का, उसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा, ओके। तो नंदा देवी के बाद जैसे ही आप थोड़ा सा उसके पश्चिम ओर जाएंगे तो आपका कौन मिलेगा? त्रिशूल पीक, मतलब कि त्रिशूल चोटी मिलेगा। और त्रिशूल के बाद जैसे ही आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो कॉमेट मिलेगा, उनकी ऊंचाइयां दिया हुआ है, इनकी कोई मुख्य बातें बहुत ज्यादा खास है नहीं, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही आप थोड़ा सा और पश्चिम की ओर जाएंगे तो आपको बंदरपूस मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे हिमालय या कुमाऊं हिमालय के जो क्षेत्र में आने वाली जो मुख्य चोटियां हैं उनका हम डिस्कशन किए हैं उनके पश्चिम से पूर्व की ओर। पहले नंदा देवी, फिर त्रिशूल, फिर कामेट, फिर बंदरपूस, ओके। आइए मैप के माध्यम से कुछ और चोटियां देखते हैं। तो हमने कहा नंदा देवी, आपने ये देखा, फिर यहाँ पे नंदाकोट, त्रिशूल, फिर यहाँ पे है दूनागिरी, फिर यहाँ पे चौखंबा, फिर यहाँ पे कामेट है, और यहाँ पे देखिए बंदरपूछ है, ठीक है। तो इनका अरेंजमेंट आप कर लेंगे आराम से, ठीक है। पहले नंदा देवी, नंदाकोट, त्रिशूल, दूनागिरी, चौखंबा, कामेट, बंदरपूछ, ओके। आइए फिर हम चलते हैं सिक्किम के तरफ से। सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर देखिए यहाँ पर एक आपको चोटी दिख रहा है जिसका नाम कंचनजंगा है, ठीक है। तो इसका लोकेशन क्या हो जाएगा? लोकेशन हो जाएगा सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर, ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई वो कितना है? 8586 मीटर, मतलब 8586 मीटर। इस ऊंचाई के साथ जो हमारा कंचनजंगा है वो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो प्रथम वो सबसे ऊंची चोटी भारत की कौन सी है? माउंट केटू है। लेकिन चूंकि इसका लोकेशन कहाँ है? पार हिमालय, ठीक है, पार हिमालय, पार हिमालय के काराकोरम श्रेणी पर है, ठीक है। इसलिए ये हमारे मुख्य हिमालय पर नहीं है और भारत की दूसरी ऊंची चोटी है ये कंचनजंगा। तो इस प्रकार से हमारा जो कंचनजंगा है ना वो हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा। कंचनजंगा की मुख्य बात या विशेष बात क्या है कि हमारे हिमालय पर स्थित, मुख्य हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन होगा? कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन होगा? माउंट केटू। तो दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू, हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी तो आप बताएंगे कंचनजंगा, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। फिर कंचनजंगा के बाद जैसे आप पश्चिम में वेस्ट में जाएंगे तो वेस्ट में जाने पर आप नेपाल में पहुंच जाएंगे, और नेपाल में जो सबसे पहले आपको चोटी मिलेगा ना, आप मानिए यहां से चलते हुए ऐसे जा रहे हैं, आप हिमालय पर ऐसे ही ऊपर से उतरे फिर ऐसे चलते हुए जगह, तो चलते हुए जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको मकालू मिलेगा। मकालू की ऊंचाई कितनी है? 8481 मीटर। ये लोकेशन कहाँ होगा? नेपाल में होगा, ठीक है। तो इस ऊंचाई के साथ 8481 मीटर, मतलब 8481 मीटर के साथ मकालू जो है ना वो विश्व की पांचवी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और इसके जैसे ही वेस्ट में जाएंगे, मतलब मकालू पे चढ़ गए, मकालू पर से उतरिए, उतरने के बाद जैसे थोड़ा वेस्ट में जाएंगे, थोड़ा सा उत्तर में जाएंगे, वेस्ट के साथ थोड़ा सा उत्तर में, मतलब पश्चिम के साथ थोड़ा सा उत्तर में जाएंगे, नॉर्थ में जाएंगे, तब आपको कहाँ मिलेगा? माउंट एवरेस्ट मिलेगा, जो कि तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है लगभग, ठीक है। मतलब इसका जो लोकेशन हो जाएगा थोड़ा सा तिब्बत में,
और मोस्टली नेपाल में, ठीक है। तो क्वेश्चन में जब दोनों ऑप्शन में होगा तो आप नेपाल लगाएंगे, तो माउंट एवरेस्ट मिलेगा। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8848 मतलब 8848 मीटर। इस ऊंचाई के साथ माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंची चोटी है, मतलब कि एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। ओके, फिर आप एवरेस्ट पर से उतरेंगे, जैसे आप पश्चिम की ओर बढ़ेंगे थोड़ा सा दक्षिण थोड़ा सा पश्चिम, तो यहां पर आपको मिलेगा गौरीशंकर पीक, ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ा सा आपको उत्तर और थोड़ा सा पश्चिम जाना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा चोयू, ठीक है, जिसकी ऊंचाई है 8201 मीटर। और इस ऊंचाई के साथ चोयू जो है विश्व की छठवीं सबसे ऊंची चोटी है। फिर आप चोयू पर से उतरिए, उतरने के बाद आप थोड़ा पश्चिम में बढ़िए और थोड़ा काफी दूरी चलने के बाद जो है ना वो आपको एक चोटी मिलेगा जिसका नाम है मनासलू, ठीक है। मनासलू 8163 मीटर की ऊंचाई के साथ दुनिया की आठवीं सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और इन सबका लोकेशन अब तो नेपाल में ही है, ठीक है, मतलब नेपाल हिमालय के बीच में, चाहे नदियों के आधार पर कहिए चाहे फिजियोग्राफिक डिवीजन के आधार पर कहिए, तो नेपाल में है इनका लोकेशन। ओके, आप मनासलू से उतरिए नीचे, मनासलू से मतलब नीचे उतरेंगे, नीचे उतरने के बाद आप थोड़ा सा जैसे पश्चिम में बढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अन्नपूर्णा मिलेगा। अन्नपूर्णा जो कि लोकेशन नेपाल में है, नेपाल हिमालय में है, वो 8091 मीटर मतलब 8091 मीटर की ऊंचाई के साथ ये दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। फिर आप अन्नपूर्णा से उतर के जैसे ही थोड़ा पश्चिम में बढ़ेंगे तो पश्चिम में बढ़ने के बाद आपको मिलेगा एक धौलागढ़ श्रेणी, ठीक है, धौलागिरी श्रेणी मिलेगा। धौलागिरी श्रेणी लोकेशन नेपाल, नेपाल हिमालय, ओके, विथ हाइट ऑफ 8167 मीटर मतलब 8167 मीटर के साथ ये दुनिया की 7वीं सबसे ऊंची चोटी है। ओके, तो इस प्रकार आपने मैप स्टडी कर लिया, आइए हम थोड़ा सा आप जो है नोट्स स्टडी करते हैं। उससे पहले उस अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन को हम निपटा लेते हैं, ठीक है। तो निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा के सही क्रम को प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो पहले आप देखिए किन किन का बात किया गया, नामचा बरवा भी है, कंचनजंगा है, नंदा देवी है, माउंट एवरेस्ट है, धौलागिरी है, ठीक है। तो आप पहले अपने खुद से अरेंज कर लीजिए कि हमने देखा सबसे पहले नामचा बरवा तिब्बत में स्थित है, फिर उसके बाद कंचनजंगा जो कि सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर में स्थित है, फिर उससे आगे जाएंगे तो माउंट एवरेस्ट आता है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट, फिर आप जाएंगे तो धौलागिरी आता है, धौलागिरी के बाद आपको मिलता है नंदा देवी। ओके, तो उसका अरेंजमेंट आप करने पे क्या पाएंगे, डी ऑप्शन सही है। नोट्स स्टडी करने से पहले मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे विश्व की जो सबसे ऊंची चोटियां ना वो हमारे हिमालय पर ही पाई जाती हैं, और 10 उस सबसे ऊंची चोटियों को हम आपको दिखाने जा रहे हैं, तो प्लीज बी केयरफुल। ओके, सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, इसका लोकेशन नेपाल और चाइना दोनों में है, बट अगर दोनों ऑप्शन में आ जाता है, नेपाल और तिब्बत दोनों ऑप्शन में आता है, तो आप ऐसे में नेपाल लगाएंगे। ओके, इसकी ऊंचाई जो है वो 8848 मीटर है, 8848 मीटर, और इसके साथ ही इसका इंपॉर्टेंस क्या है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, इसका लोकेशन तो आपको पता है, सब कुछ पता हो गया, ठीक है। फिर मैंने बताया कि जो हमारा माउंट एवरेस्ट है वो विभिन्न नामों से विभिन्न जगहों पे जाना जाता है, जैसे नेपाल में इसका नाम होता है सगरमाथा या सागरमाथा, ठीक है, और वहीं तिब्बत पर इसको चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। जो तिब्बती वर्ड चोमोलुंगमा है इसका मतलब होता है क्वींस ऑफ माउंटेन, मतलब की पर्वतों की रानी। ओके, और आपको एक नाम याद करना, बछेंद्री पाल जो भारत की पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, कब, 1984 में। आइए हम बात करते हैं फिर माउंट केटू गार्डविन ऑस्टिन की, ठीक है, गार्डविन ऑस्टिन की बात करते हैं। तो गार्डविन ऑस्टिन जो है वो कहाँ पे स्थित है, ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी पर, जम्मू एंड कश्मीर राज्य में, जो कि आज पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, ठीक है, मतलब पाकिस्तान द्वारा अधिकृत कश्मीर है, जो हमारे देश का अपना हिस्सा है आज भी। इसकी ऊंचाई क्या है, 8611 मीटर, और इस ऊंचाई के साथ इसका इम्पोर्टेंस ये होता है, इसका विशेष बात क्या है कि ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और भारतीय संदर्भ में बात करें तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, और जम्मू एंड कश्मीर राज्य में स्थित सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो माउंट एवरेस्ट है वो हमारा कहाँ स्थित है, नेपाल में, तो इसलिए भारत की सबसे ऊंची चोटी, और नेपाल में स्थित है इसलिए जम्मू एंड कश्मीर राज्य में ही अगर स्थित है तो जम्मू एंड कश्मीर राज्य की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा। ओके, कंचनजंगा की बात किया जाए तो कंचनजंगा जो कि कहाँ पे स्थित है, नेपाल और इंडिया, ठीक है, मतलब कि इंडिया के सिक्किम राज्य में और उसके बॉर्डर पर, मतलब कि ये सिक्किम है तो इसके बॉर्डर पर स्थित है और ये नेपाल है, तो मतलब नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर स्थित है, ठीक है। इसकी ऊंचाई है 8586 मीटर, और इसके साथ ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, और भारतीय संदर्भ में बात किया जाए तो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है माउंट केटू के बाद, माउंट केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है।
बट इसकी एक और खास बात क्या है कि हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया लोकेटेड ऑन ग्रेटर हिमालय, वृहद हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी तो हो जाएगा K2। हिमालय पर स्थित, मुख्य हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात किया जाए तो आप बताएंगे क्या, कंचनजंगा। ओके, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा। माउंट लोथ से जो कि नेपाल में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 8516 मीटर और इस ऊंचाई के साथ ये दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी है, चौथी, ठीक है। फिर आता है माउंट मकालू, माउंट मकालू जो कि नेपाल और चाइना के बॉर्डर या चाइना की सीमा पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 8481 मीटर, 8481 मीटर और इस ऊंचाई के साथ ये विश्व की या दुनिया की पांचवी सबसे ऊंची चोटी है। फिर आता है माउंट चोयू, ठीक है, माउंट चोयू जो कि नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर स्थित है, इसकी ऊंचाई है 8201 मीटर और इस ऊंचाई के साथ ये विश्व की या दुनिया की छठवीं सबसे ऊंची चोटी है। फिर आता है धौलागिरी, धौलागिरी आपने देखा था कि नेपाल में स्थित है और उसकी ऊंचाई जो है 8167 मीटर है और इस ऊंचाई के साथ ये दुनिया की सातवीं सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। वर्ड धौलागिरी का मतलब होता है व्हाइट माउंटेन, ठीक है। फिर आता है मनासलू, जिसका लोकेशन नेपाल में है, विथ हाइट ऑफ 8163 मीटर, ये दुनिया की आठवीं सबसे ऊंची चोटी है। ओके, मनासलू का मतलब होता है माउंटेन ऑफ द स्पिरिट। फिर आता है नंगा पर्वत, जिसका लोकेशन गिलगित बल्टिस्तान है, पाकोकोपाइट कश्मीर में, जो कि जम्मू एंड कश्मीर राज्य में स्थित है, ठीक है। ये विथ हाइट ऑफ 8125 मीटर, ठीक है, ये दुनिया की नौवीं सबसे ऊंची चोटी है। फिर आता है माउंट अन्नपूर्णा, दसवीं सबसे ऊंची चोटी, नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 8091 मीटर, ये दुनिया की दसवीं सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। कुछ अनइम्पॉर्टेंट चोटियों की बात कर लेते हैं, ये 10 इम्पॉर्टेंट चोटियों को हमने आपको दर्शाया है, ठीक है, कि हमारे विश्व की जो सबसे 10 इम्पॉर्टेंट चोटियां है, सबसे 10 सबसे ऊंची चोटियां वो हमारे हिमालय पर ही स्थित है, ठीक है। फिर बात करते हैं राकापोसी की, तो राकापोसी क्योंकि आप K2 देख चुके हैं, राकापोसी को देख लीजिए, तो लद्दाख रेंज पर स्थित है, पार हिमालय के जम्मू कश्मीर राज्य में, ठीक है, और इसकी ऊंचाई है 7788 मीटर और ये जो है दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। फिर आप कुमाऊं हिमालय पर चलते हैं, ठीक है, जो कि उत्तराखंड की बात करेंगे, कुमाऊं हिमालय के उत्तराखंड वाले भाग पर, तो वहां पर नंदा देवी है, नंदा देवी जो, ठीक है, जो कि जिसका लोकेशन कहाँ हो जाएगा, उत्तराखंड में हो जाएगा, कुमाऊं हिमालय पर होगा, जिसकी ऊंचाई 7817 मीटर है, इस ऊंचाई के साथ ये जो है कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है या उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है और भारत की चौथी सबसे ऊंची चोटी होगा। ओके, इसके बाद आपने देखा था नंदाकोट, त्रिशूल, दूनागिरी, चौखंबा, कामेट, बंदरपुर, आपने देखा था नंगा पर्वत जो कि वेस्टर्न मोस्ट पीक ऑफ हिमालय है, हिमालय की पश्चिमी चोटी है, ठीक है। नामचा पर्वत का देखा था ईस्टर्न मोस्ट पीक ऑफ हिमालय, हिमालय की पूर्वी चोटी है। आए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट कहाँ है, तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, तो आप बताएंगे नेपाल, वैसे कि नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर है, लेकिन जब दोनों ऑप्शन में होगा तो आप नेपाल लगाइएगा। ओके, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, तो माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यहाँ देखिए पूछा, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई, तो बछेंद्री पाल। ओके, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, तो माउंट K2 गाडविन आस्टिन। ओके, यहाँ भी देख सकते हैं वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब देखिए यहाँ पे दिया भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो K2 है, ठीक है, लेकिन K2 नहीं दिया तो कंचनजंगा हो जाएगा, क्योंकि दूसरा सबसे ऊंची चोटी है हमारे भारत का, ठीक है, और हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी होता कंचनजंगा। अब इनका सही क्रम बताना है, तो सही क्रम आप आराम से बता सकते हैं, ठीक है, माउंट एवरेस्ट, गाडविन आस्टिन और कंचनजंगा में आपको अरेंजमेंट करना है। तो हमने कहा था कि जो माउंट एवरेस्ट है वो विश्व का सबसे ऊंची चोटी है, गाडविन आस्टिन हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी है, कंचनजंगा हमारे भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और विश्व के संदर्भ में भी हमने आपका डिस्कशन किया है। तो यहाँ पूछा नंदा देवी चोटी है तो कहाँ पर है, नेपाल हिमालय में, ठीक है, बिल्कुल गलत है, ये देखिए हमने गलत करा, ये कुमाऊं हिमालय पर, हमने आपको देखिए नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन अभी बताया था, इसीलिए बताया था क्योंकि असम हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, पंजाब या कश्मीर हिमालय, ये नदियों के आधार पर ही हमारे हिमालय के नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो आपने देखा पहले हमारा जो होता है वो सिंध और सतलुज नदी के बीच में कश्मीर है, पंजाब हिमालय, फिर सतलुज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय, इसी क्षेत्र में हमारा नंदा देवी आएगा जो उत्तराखंड क्षेत्र में है, फिर काली और तिस्ता के बीच में नेपाल हिमालय और फिर तिस्ता और हमारे ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हिमालय। तो ये सब जब क्लियरिटी रहेंगे तो आप ऐसे क्वेश्चन कर सकेंगे, आई होप कि भविष्य में भी ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए हमने आपको पूरा डिस्कशन किया, ठीक है। तो आपका आंसर होगा कुमाऊं हिमालय पे। फिर पूछा गया नंदा देवी स्थित है कहाँ पे, उत्तराखंड में। फिर पूछा गया नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में।
देखिए आपसे पूछा गया निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है, तो देखिए आपको तीन चीजें पता है, नंदा देवी पता है, कामेत पता है, त्रिशूल पता है। ठीक है, तो ये सब कहाँ, उत्तराखंड में ही स्थित है, नंदा देवी हो गया, कामेत हो गया, त्रिशूल हो गया, तो इसके आधार पर आप ये कह सकते हैं गोसाई, ठीक है, गोनसाई थान जो है वो हमारे भारत में स्थित नहीं है। चलिए अब ये आगे क्वेश्चन है, हम बता देते हैं कि ये जो है नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर स्थित है। आई होप दोस्तों आपको आज चोटियों के बारे में समझ में आया होगा, हमने लगभग सभी क्वेश्चनों को ध्यान में रख के इस वीडियो को बनाया है और भविष्य में आने वाले क्वेश्चनों पर भी ध्यान दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, पासेस ऑफ हिमालय, हिमालय के दर्रों के साथ, ये हमारे हिमालय सीरीज का लास्ट वीडियो होगा। तो प्लीज दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप रहें सबसे आगे। प्लीज सपोर्ट मी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन, सी यू।